हेलो बच्चों, नीट जीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान से समझेंगे क्या पूछा गया है और इस क्वेश्चन में किस चीज का बात चल रहा है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, इस कन्वर्जन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें ये बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हमको दिख रहा है एक कार्बोनिल कंपाउंड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, फिर सेकेंड H2SO4 लेंगे, हीट करेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके रिस्पेक्ट में, रिगार्डिंग में चार ऑप्शन दिया है। इन चारों में से सही वाले ऑप्शन को हमें पहचानना है। तो सबसे पहले मैं तुमको एक छोटा सा यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ जो कि तुमको ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे समझना ध्यान से, पहले की कॉन्सेप्ट बता दूं। की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रिएक्शन आप कार्बोनिल कंपाउंड लगा दो, या तुम ये भी लगा सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? सोडियम बोरोहाइड्राइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, अब यहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड आएगा, ठीक है, NaBH4। अब NaBH4 जो होता है ये H- आयन जनरेटर होता है, वो भी कितना दे सकता है, चार दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे चार है। तो ये बॉन्ड में पोलैरिटी होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे H लग गया। अब देखो, H लगने के बाद जब इसका वर्कअप कराओगे, तो वर्कअप कराने के बाद यहाँ से जैसे H+ आएगा वाटर से, तो ये नेगेटिवली चार्ज से H+ को ले लेगा और फाइनली जो अपना प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो बनता है एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। बाद में यहाँ पे H2SO4 लिया गया, हीट लिया गया, ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकाल के एल्कीन बना देगा और ऑप्शन में एल्कीन दिया है, हमें पहचानना है। चलो समझते हैं। तो अब जरा इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड को लो, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, ठीक है, इसको हमें ध्यान देना है। तो पहले SbH4 या इसी को NaBH4 भी लिखते हैं शॉर्टकट में। अब ये H- आयन देगा, तो H- आयन देगा तो यहां पर भी लग सकता है, यहां पर भी लग सकता है, दोनों जगह लग सकता है। और उसके बाद वर्कअप करा देंगे, वर्कअप करा देंगे तो हमारा डायरेक्ट एल्कोहल बना लेते हैं। तो डायरेक्ट यहां पे क्या करते हैं बेटा, एल्कोहल बना लेते हैं। ये देखो एल्कोहल, फिर यहां पे, फिर अगेन एल्कोहल, फिर यहां पे ऐसे, मतलब दोनों जगह अपन क्या करेंगे, एल्कोहल बनाएंगे। अब देखना, अब यहां पर है H2SO4 हीट, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर निकालेगा यानी पानी निकालेगा और एल्कीन बनाएगा। अब कौन सा एल्कीन बनेगा, सेट जब एक साइंटिस्ट था उसका कहना था मोर सब्स्टिट्यूटेड या मोर एल्काइलेटेड एल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी एल्कीन जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें उतना ज्यादा होगा जिससे उस एल्कीन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएंगे, एल्कीन में ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या हो बेटा, बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो यहां से वाटर निकाल देते हैं, ये डिहाइड्रेशन कराएगा, और यहां पे भी, यहां से भी वाटर निकाल देते हैं। तो जब यहां से वाटर अपन निकालेंगे तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा बेटा, देखना ध्यान से, फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पे, ये देखो एक डबल बॉन्ड यहां लाओ और एक डबल बॉन्ड यहां लाओ, देखो इस टाइप का एल्कीन बनेगा और ये जो एल्कीन होगा यहां पे मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट। क्यों? डबल बॉन्ड यहां लाने से, यहां पे डबल बॉन्ड लगाने से इस एल्कीन पे एक एल्काइल ग्रुप मिला जिससे एल्कीन हमारा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। एक बार देख लो ये प्रोडक्ट नीचे दिख रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये कहीं कट जा रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बेटा, क्लियरिटी के साथ में। तो फाइनली ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब इस तरीके का मेजर प्रोडक्ट हमें कहां पे शो हो रहा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए फाइनल हो जाएगा। क्या बी में शो हो रहा है, देखो बी में यहाँ पे एल्कीन बनाया है, सी में तो भाई साहब इस कार्बोनिल ग्रुप को चेंज ही नहीं किया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। डी में देखें तो डी वाला जो हमारा बेसिकली यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट है, ए और डी दोनों मैच कर रहा है, तो नीट में MCQ नहीं आते, ये तो सेम है, इसमें अपन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम चेंज क्या करने वाले हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, चलो मान लेते हैं यहाँ पे बना देते, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।